जिनको भी महाभारत में इंटरेस्ट है या पढ़ना पसंद है, ये वीडियो उनके लिए है। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने बात किया था भीष्म पितामह और परशुराम जी का युद्ध कितने दिनों तक हुआ था और युद्ध होने का क्या कारण था एक्चुअल, और स्वप्न में 8 वर्षों भीष्म पितामह को दर्शन दिए और प्रस्थापनास्त्र दिया और कहा ये परशुराम जी पर चलाना जिससे वो सो जाएंगे। तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो को समझने के लिए ऊपर लिंक्स में दे दिया या फिर वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके भी शुरुआत देख सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर है भीष्म तथा परशुराम जी का एक दूसरे पर शक्ति और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। भीष्म जी कहते हैं भारत तदनंतर रात बीतने पर जब मेरी नींद खुली तब उस स्वप्न की बात सोचकर मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। भारत तदनंतर मेरा और परशुराम जी का भयंकर युद्ध छिड़ गया जो समस्त प्राणियों के रोंगटे खड़े कर देने वाला और अद्भुत था। इससे पहले जितने दिन परशुराम जी और भीष्म जी का युद्ध चला था प्रत्येक दिन परशुराम जी भीष्म जी को मार देते थे, लेकिन वो मरते नहीं थे, अचेत हो जाते थे और फिर से उठ खड़े होते थे इच्छा मृत्यु के कारण, और भीष्म जी भी परशुराम जी को घायल करके सुला देते थे, वो भी उठ खड़े होते थे। जो समस्त प्राणियों के रोंगटे खड़े देने वाला अद्भुत था, उस समय भृगुनंदन परशुराम जी ने मुझ पर बाणों की झड़ी लगा दी भारत, तब मैंने अपने सहायक समूह से उस बाण वर्षा को रोक दिया। तब महातपस्वी परशुराम पुनः मुझ पर अत्यंत कुपित हो गए, पहले दिन का भी कोप था ही, उससे प्रेरित होकर उन्होंने मेरे ऊपर शक्ति चलाई। उसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान भयंकर था, उसकी प्रभा यमदंड के समान थी और उस संग्राम में अग्नि के समान प्रज्वलित हुई वह शक्ति मानो सब ओर से रक्त चाट रही थी। भरत श्रेष्ठ कुरुकुल रत्न फिर आकाशवर्ती नक्षत्र के समान प्रकाशित होने वाली उस शक्ति ने तुरंत आकर मेरे गले की हसली पर आघात किया। लाल नेत्रों वाले महाबाहु दुर्योधन परशुराम जी के द्वारा किए हुए उस गहरे आघात से भयंकर रक्त की धारा बह चली, मानो पर्वत से गहरी धातु मिश्रित जल का झरना झर रहा हो। तब मैंने भी अत्यंत कुपित होकर सर्पविष के समान भयंकर मृत्यु तुल्य बाण लेकर परशुराम जी के ऊपर चलाया। उस बाण ने विप्रवर वीर परशुराम के ललाट में चोट पहुंचाई महाराज, उसके कारण वे शिखर युक्त पर्वत के समान शोभा पाने लगे। तब उन्होंने भी रोष में आकर काल और यम के समान भयंकर शत्रुनाशक बाण को हाथ में ले धनुष को बलपूर्वक खींचकर उसके ऊपर रखा। राजन उनका चलाया हुआ वो भयंकर बाण फुपकारते हुए सर्प के समान सनसनाता हुआ मेरी छाती पर आकर लगा, उससे लहूलुहान होकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुनः चेत में आने पर मैंने बुद्धिमान परशुराम जी के ऊपर प्रज्वलित वज्र के समान एक उज्ज्वल शक्ति चलाई। वो शक्ति उन ब्राह्मण शिरोमणि की दोनों भुजाओं के ठीक बीच में जाकर लगी। राजन इससे वे बिहल हो गए और उनके शरीर में कपकपी आ गई। तब उनके महातपस्वी मित्र अकृतवर्ण ने उसे हृदय से लगाकर सुंदर वचनों द्वारा उनका अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। तदनंतर महाव्रती परशुराम जी धैर्य युक्त हो क्रोध और अमर्ष में भर गए और उन्होंने परम उत्तम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब उस अस्त्र का निवारण करने के लिए मैंने भी उत्तम ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। मेरे ये अस्त्र प्रलयकाल का सा हृष्य उपस्थित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। भरतवन शिरोमणि वे दोनों ब्रह्मास्त्र मेरे और परशुराम जी के पास ना पहुंचकर बीच में ही एक दूसरे से भिड़ गए। प्रजानाथ फिर तो आकाश में केवल आग की सी ज्वाला प्रकट होने लगी, इससे समस्त प्राणियों को पीड़ा हुई बड़ी। भारत उन ब्रह्मास्त्र के तेज से पीड़ित होकर ऋषि गंधर्व और देवता भी अत्यंत संतप्त हो उठे। फिर वो पर्वत वन और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। भूतल के समस्त प्राणी संतप्त हो अत्यंत विषाद करने लगे। राजन उस समय आकाश जल रहा था, संपूर्ण दिशाओं में धूम व्याप्त हो रहा था, आकाशचारी प्राणी भी आकाश में ठहर ना सके। तदनंतर देवता असुर तथा राक्षस सहित संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। भारत यही उपयुक्त अवसर है ऐसा मानकर मैंने तुरंत ही
प्रस्थापनास्त्र को छोड़ने का विचार किया, फिर तो उन ब्रह्मवादी वशुओं के कथनानुसार उस विचित्र अस्त्र का मेरे मन में स्मरण हो आया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, अस्त्र का प्रयोग में लाना पितृ देवता गंगा के आग्रह से भीष्म और परशुराम जी के युद्ध की समाप्ति। भीष्म कहते हैं राजन कौरव नंदन, तदनंतर उसके बाद ये युद्ध का चित्र है भीष्म और परशुराम का, और नारद जी प्रस्त यूज करने से मना कर रहे हैं। भीष्म, प्रस्थापनास्त्र का प्रयोग ना कर। इस प्रकार आकाश में महान कोलाहल मच गया। तथापि मैंने भृगुनंदन परशुराम जी को लक्ष्य करके उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ा ही लिया। मुझे प्रस्थापनास्त्र का प्रयोग करते देख नारद जी ने इस प्रकार कहा, कुरुनंदन, ये आकाश में स्वर्गलोक के देवता खड़े हैं, ये सबके सब इस समय तुम्हें मना कर रहे हैं, तुम प्रस्थापनास्त्र का प्रयोग ना करो। परशुराम जी तपस्वी ब्राह्मण भक्त ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं। कुरुकुल रत्न, तुम किसी तरह भी उनका अपमान ना करो। राजेंद्र, तत्पश्चात मैंने आकाश में खड़े हुए उन आठों ब्रह्मवादी वशुओं को देखा। वे मुस्कुराते हुए मुझे धीरे धीरे इस प्रकार बोले, भरत श्रेष्ठ, नारद जी जैसा कहते हैं वैसा ही करो। भारत कुरुकुल तिलक यही संपूर्ण जगत के लिए परम कल्याणकारी होगा। तब मैंने उस महान प्रस्थापनास्त्र को धनुष से उतार लिया और उस युद्ध में विधिपूर्वक ब्रह्मास्त्र को ही प्रकाशित किया। राज सिंह, मैंने प्रस्थापनास्त्र को उतार लिया ये देख परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मुख से सहसा ये वाक्य निकल पड़े कि मुझ मंदबुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। इसके बाद जमदग्नि कुमार परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि को तथा उनके भी माननीय पिता ऋचिक मुनि को देखा। वे सब पितर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और उस समय उसे सांत्वना देते हुए बोले, पितरों ने कहा, तात, फिर कभी किसी प्रकार भी ऐसा साहस न करना। भीष्म और विशेषतः क्षत्रियों के साथ युद्धभूमि में उतरना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भृगुनंदन, क्षत्रियों का तो युद्ध करना धर्म ही है, किंतु ब्राह्मणों के लिए वेदों का स्वाध्याय तथा उत्तम व्रतों का पालन ही परम धर्म है। ये बात पहले भी किसी अवसर पर हमने तुमसे कही थी। शस्त्र उठाना अत्यंत भयंकर कर्म है, अतः तुमने ये ना करने योग्य कार्य ही किया है। महाबाहु वत्स, भीष्म के साथ युद्ध में उतर कर जो तुमने इतना विध्वंसात्मक कार्य किया है, यही बहुत हो गया। अब तुम इस संग्राम से हट जाओ। भृगुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो दुर्धर्ष वीर, तुमने जो धनुष उठा लिया यही पर्याप्त है। अब इसे त्याग दो और तपस्या करो। देखो, इन संपूर्ण देवताओं ने शांतनुनंदन भीष्म को भी रोक दिया है। ये उन्हें प्रसन्न करके ये बात कह रहे हैं कि तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ, परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ बार बार युद्ध ना करो। कुरुश्रेष्ठ, परशुराम को युद्ध में जीतना तुम्हारे लिए कदापि न्याय संगत नहीं है। गंगानंदन, तुम इस समरांगन में अपने ब्राह्मण गुरु का सम्मान करो। बेटा परशुराम, हम तो तुम्हारे गुरुजन आदरणीय पितर हैं, इसीलिए तुम्हें रोक रहे हैं। पुत्र, भीष्म बशुओं में से एक वशु हैं। अच्छा, तुम अपना सौभाग्य ही समझो कि उनके साथ युद्ध करके अब तक जीवित हो। भृगुनंदन, गंगा और शांतनु के ये महायशस्वी पुत्र भीष्म साक्षात वशु ही हैं, इन्हें तुम कैसे जीत सकते हो, अतः यहाँ युद्ध से निवृत्त हो जाओ। प्राचीन सनातन देवता और प्रजापालक वीरवर भगवान नर इंद्रपुत्र महाबली पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे, यानी जन्म लेंगे, तथा पराक्रम संपन्न होकर तीनों लोकों में सव्यसाची के नाम से विख्यात होंगे। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उन्हीं को यथासमय भीष्म को की मृत्यु में कारण बनाया है, मतलब उन्हीं के हाथों से भीष्म का मृत्यु होगा। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पितरों के ऐसा कहने पर परशुराम जी ने उनसे इस प्रकार कहा, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा चिरकाल से धारण किया हुआ व्रत है। आज से पहले भी मैं कभी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटा। अतः पितामह, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार पहले गंगानंदन भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त कीजिए, मैं किसी प्रकार पहले स्वयं ही इस युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। राजन, वे ऋचिक आदि मुनि नारद जी के साथ मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, तात, तुम ही युद्ध से निवृत्त हो जाओ और द्विश्रेष्ठ परशुराम जी का मान रखो।
तब मैंने क्षत्रिय धर्म को लक्ष्य करके उनसे कहा, महर्षियों, संसार में मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि मैं पीठ पर बाणों की चोट खाता हुआ कदापि युद्ध से निवृत्त नहीं हो सकता। मेरे ये निश्चित विचार है कि मैं लोभ से, कायरता या दीनता से, भय से अथवा किसी स्वार्थ के कारण भी क्षत्रिय के सनातन धर्म का त्याग नहीं कर सकता। इतना कहकर मैं पूर्ववत धनुष बांध लिए दृढ़ निश्चय के साथ समरभूमि में युद्ध करने के लिए डटा रहा। राजंतव वे नारद आदि संपूर्ण ऋषि और मेरी माता गंगा सब लोग उस रण क्षेत्र में एकत्र हुए और पुनः एक साथ मिलकर उस समरांगन में भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर इस प्रकार बोले, भृगुनंदन, ब्राह्मण का हृदय नवनीय समान कोमल होता है। अब शांत हो जाओ विप्रवर परशुराम, इस युद्ध से निवृत्त हो जाओ भार्गव, तुम्हारे लिए भीष्म और भीष्म के लिए तुम अवध्य हो। इस प्रकार कहते हुए तब लोगों ने रणस्थली को घेर लिया और पितर ने भृगुनंदन परशुराम से अस्त्र शस्त्र रखवा दिया। इस समय मैंने पुनः उन आठों ब्रह्मवादी वर्षियों को आकाश में उदित हुए आठ ग्रहों की भांति प्रकाशित होते देखा। उन्होंने समरभूमि में डटे हुए मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, महाबाहु, तुम अपने गुरु परशुराम जी के पास जाओ और जगत का कल्याण करो। अपने सुहृदों के कहने से परशुराम जी को युद्ध से निवृत्त हुआ देख मैंने भी लोक की भलाई करने के लिए उन महर्षि की बात मान ली। तदनंतर मैंने परशुराम जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय मेरा शरीर बहुत घायल हो गया था। महातपस्वी परशुराम मुझे देखकर मुस्कुराए और प्रेमपूर्वक इस प्रकार बोला, भीष्म, इस जगत में भूतल पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। आओ, इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। फिर मेरे सामने ही उन्होंने उस कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच दृढ़तापूर्वक वाणी में उससे कहा, परशुराम बोले, भाभीनी, यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने तेरे लिए पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया और अब महान पुरुषार्थ दिखाया है, परंतु इस प्रकार उत्तमोत्तम अस्त्र प्रकट करके भी मैं शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म से अपनी अधिक विशिष्टता नहीं दिखा सका। मेरी अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक बल इतना ही है। भद्रे, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा, अथवा बता तेरा दूसरा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। अब तो भीष्म ही की शरण ले, तेरे लिए दूसरा कोई गति नहीं है, क्योंकि महान अस्त्रों का प्रयोग करके भीष्म ने मुझे जीत लिया है। ऐसा कहकर महामाना परशुराम लंबी सांस खींचते हुए मौन हो गए, यानी शांत हो गए। तब राजकन्या अम्बा ने उस भृगुनंदन से कहा, भगवान, आपका कहना ठीक है, वास्तव में ये उदार बुद्धि भीष्म युद्ध में देवताओं के लिए भी अजय है। अपनी पूरी शक्ति लगाकर पुनः उत्साह के साथ मेरा कार्य किया है। तो देवता लोगों ने कहा कि भीष्म के मित्र अर्जुन के हाथों ही संभव है, इसीलिए परशुराम जी ने हार मान ली। अपनी पूरी शक्ति लगाकर पुनः उत्साह के साथ मेरा कार्य किया है। युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया है जिसे भीष्म के सिवा दूसरा कोई रोक नहीं सकता था। इसी प्रकार आपने नाना प्रकार के दिव्यास्त्र भी प्रकट किए हैं, परंतु अंतोगत्व आप युद्ध में अपनी अपेक्षा, अपनी विशेषता स्थापित ना कर सके। मैं भी अब किसी प्रकार पुनः भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। भृगुश्रेष्ठ तपोधन, अब मैं वही जाऊंगी जहां ऐसा बन सकूं कि समर भूमि में स्वयं ही भीष्म को मार गिराऊं। ऐसा कहकर रोष भरे नेत्रों वाली वो राजकन्या मेरे वध के उपाय का चिंतन करते हुए तपस्या के लिए दृढ़ संकल्प लेकर वहां से चली गई। भारत तदनंतर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी उन महर्षि के साथ मुझसे विदा ले जैसे आए थे वैसे ही महेंद्र पर्वत पर चले गए। महाराज, तत्पश्चात मैंने भी ब्राह्मणों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए रथ पर आड़ू हो हस्तिनापुर में आकर माता सत्यवती से सब समाचार यथार्थ रूप से निवेदन किया। माता ने भी मेरा अभिनंदन किया। इसके बाद मैंने कुछ विद्यमान पुरुषों को उस कन्या के वृत्तांत को पता लगाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। मेरे लगाए हुए गुप्तचर सदा मेरे प्रिय और हित में संलग्न रहने वाले थे। वे प्रतिदिन उस कन्या की गतिविधि, बोलचाल और चेष्टा का समाचार मेरे पास पहुंचाया करते थे। जिस दिन वो कन्या तपस्या का निश्चय करके वन में गई उस दिन मैं व्यथित दिन और अचेत सा हो गया। तात, जो तपस्या के द्वारा कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं उस ब्राह्मण भगवान ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण परशुराम जी को छोड़कर कोई भी क्षत्रिय अब तक मुझे युद्ध में पराजित नहीं कर सका है। राजन,
मैंने ये वृत्तांत देवर्षि नारद और महर्षि व्यास से भी निवेदन किया था। उस समय उन दोनों ने मुझसे कहा, भीष्म, तुम्हें काशीराज की कन्या के विषय में तनिक भी विचार नहीं करना चाहिए। देव के विधान को पुरुषार्थ के द्वारा कौन टाल सका है? महाराज, फिर उस कन्या ने आश्रम मंडल में पहुँच कर यमुना के तट पर आश्रय ले ऐसी कठोर तपस्या की जो मानवीय शक्ति से परे है। उसने भोजन छोड़ दिया, वो दुबली तथा रुक्ष हो गई, सिर पर केशों की जटा बन गई, शरीर में मैल और कीचड़ जम गई। वो तपोधना कन्या 6 महीने तक केवल वायु पीकर ठूटे काट की भांति निश्चय भाव से खड़ी रही, फिर 1 वर्ष तक यमुना जी के जल में घुसकर बिना कुछ खाए पिए वो भाविनी राजकन्या जल में ही रहकर तपस्या करती रही। तत्पश्चात तीव्र क्रोध से युक्त हुई अम्बा ने पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़ी हो अपने आप झड़कर गिरा हुआ केवल एक सूखा पत्ता खाकर 1 वर्ष व्यतीत किया। इस प्रकार 12 वर्ष तक कठोर तपस्या में संलग्न हो उसने पृथ्वी आकाश को संतप्त कर दिया। उसके जाने वालों ने आकर उसे उस कठोर व्रत में निवृत्त करने की चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता न मिल सकी। तदनंतर यह सिद्ध और चरणों द्वारा सेवित वत्स देश की भूमि में गई और वहाँ पुण्यशील तपस्वी महात्माओं के आश्रम में विचरण में लगी। काशीराज की वो कन्या दिन रात वहाँ के पुण्य तीर्थों में स्नान करती और अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरती रहती थी। महाराज, शुभकारक नंदाश्रम, उलुकाश्रम, चवनाश्रम, ब्रह्मस्थान, देवताओं के यज्ञ स्थान प्रयाग, देवरान्य, भोगवती, कौशिकाश्रम, मांड्याश्रम, दिलीपाश्रम, गंगाश्रम, इन सभी तीर्थों में उन दिनों काशीराज की कन्याओं ने कठोर व्रत का आश्रय ले स्नान किया। गुरुनंदन, उस समय मेरी माता गंगा ने जल में प्रकट होकर अम्बा से कहा, भद्रे, तू किस लिए शरीर को इतना क्लेश देती है, मुझे ठीक ठीक बता। राजन, तब सावित्री गंगा ने सॉरी अम्बा ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, चारुलोचने, भीष्म ने युद्ध में परशुराम जी को परास्त कर दिया, फिर दूसरा कौन ऐसा राजा है जो धनुष बाण लेकर खड़े हुए भीष्म को युद्ध में परास्त कर सके। अतः मैं भीष्म के विनाश के लिए अत्यंत कठोर तपस्या कर रही हूँ। देवी, मैं इस भूतल पर विभिन्न तीर्थों में इसलिए विचर रही हूँ कि योग्य बनकर मैं स्वयं ही भीष्म को मार सकूँ। भगवती, इस जगत में मेरे व्रत और तपस्या का बड़ी सर्वोत्तम फल है, यही सर्वोत्तम फल है जैसा मैंने आपको बताया है। तब सागरगामिनी गंगा नदी ने उससे कहा, भाविनी, तू कुटिल आचरण कर रही है, सुंदर अंगों वाली अवले, तेरा ये मनोरथ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। काशीराज कन्या, यदि भीष्म के विनाश के लिए तू प्रयत्न कर रही है और व्रत में स्थित रहकर ही यदि तू अपना शरीर छोड़ेगी तो सुबह तुझे टेढ़ी मेढ़ी नदी होना पड़ेगा, केवल बरसात में ही तेरे भीतर जल दिखाई देगा। तेरे भीतर तीर्थ या स्नान की सुविधा बड़ी कठिनाई से होगी, तो केवल बरसात को ही की नदी समझी जाएगी, शेष 8 महीनों में तेरा पता नहीं लगेगा। बरसात में भी भयंकर ग्रहों से भरी रहने के कारण तो समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत भयंकर और घोर स्वरूपा बनी रहेगी। राजन, काशीराज की कन्या से ऐसा कहकर मेरी परम सौभाग्यशालिनी माता गंगा देवी मुस्कुराती हुई लौट गई। तदनंतर वो सुंदरी कन्या पुनः कठोर तपस्या में प्रवृत्त हो कभी 8वें और कभी 10वें महीने तक जल भी नहीं पीती थी। गुरुनंदन, काशीराज की वो कन्या तीर्थ सेवन के लोभ से वत्स देश की भूमि पर इधर उधर दौड़ती फिरती थी। भारत, कुछ काल के पश्चात वो वत्स देश की भूमि में अम्बा नाम से प्रसिद्ध नदी हुई जो केवल बरसात में जल से भरी रहती थी। उसमें बहुत से ग्रह निवास करते थे, उसके भीतर उतरना और स्नान आदि तीर्थकृत्यों का संपादन बहुत ही कठिन था। वो नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बैठी थी। राजन, राजकन्या अम्बा और तपस्या के प्रभाव से आधे शरीर से तो अम्बा नाम की नदी हो गई और आधे अंग से वत्स देश में ही एक कन्या होकर प्रकट हुई जिसका नाम शिखंडी था। तो ये थी आज की चैप्टर, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर, अम्बा का द्वितीय जन्म में पुनः तप करना और महादेव जी से अभीष्ट वर की प्राप्ति तथा उसका चिता की आग में प्रवेश, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।